हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही टॉपिक आपको बताया था। उस टॉपिक में मैंने कन्वर्शन बताया था जो कि डेसिमल रिलेटेड कन्वर्शन थे, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल रिलेटेड जितने भी कन्वर्शन होते हैं मैंने उस पिछले वीडियो में वो बताया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्स, हेक्स टू बाइनरी। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है ऑक्टल टू बाइनरी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऑक्टल नंबर का, 472। ये ऑक्टल नंबर है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं हम लोग कन्वर्जन क्यों करते हैं, कन्वर्जन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो आप लिंक के थ्रू जाइए और उसको आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लेके रखा है, इसको अब बाइनरी में चेंज करेंगे। सॉरी, अब इसमें हम लोग 3 बिट्स का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, आगे आपको ये नंबर लिखना है। अब टू का बाइनरी नंबर क्या होता है, 10। टू का बाइनरी नंबर 10, इसको 3 बिट्स कंप्लीट करना होता है हम लोग को। 3 बिट्स हो गया तो 3 बिट्स कंप्लीट कर लें। यहाँ पर तो हम लोग 3 बिट्स कंप्लीट कर लें, कोई भी नंबर 10 तो नहीं लगा नहीं सकते। अगर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया तो ये इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए 0 मैं यहाँ पर लगाऊंगा 3 बिट्स कंप्लीट करने के लिए। फिर 7 का हो जाता है 111, इसका 3 बिट्स आगे से कंप्लीट है तो और 0 एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 4 का हो जाता है 100, इसका भी 3 बिट्स कंप्लीट है। तो आपका आंसर हो गया 100111010। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आया होगा कैसे होता है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल 1 मान लेते हैं, इसको एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है, 3.1 ऑक्टल का मुझे बनाना है बाइनरी। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। पहले 3.1 लिखे, इसको आपको 1 को 3 बिट्स में चेंज करना है, तो उस 1 का 3 बिट हो जाता है 100, और 3 का 3 बिट हो जाएगा 011। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा आपका 0.11.001। ये हो गया आपका बाइनरी में चेंज। आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड टॉपिक में चलते हैं हम लोग के। सेकंड टॉपिक हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी नंबर एक ले लेते हैं पहले। सबसे पहले एक बाइनरी नंबर लेना पड़ेगा मुझे। एक बाइनरी नंबर मान लीजिए ये है 10011010। आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। अब पेयर कहाँ से बनाना है वो देखना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे पेयरिंग का, यहाँ से 3 3 का। ये ऑक्टल है, ऑक्टल के हमेशा आपको याद रखना है 3 बिट्स होता है। ऑक्टल के लिए 3 बिट्स होता है। पहले 3 का यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3। ठीक है, तो ये 3 का हो गया आपका 2, इधर हो गया 7, इधर हो गया 4। तो इसका बाइनरी का आपका बन गया 472 ऑक्टल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। 110101010 ये बाइनरी में है। इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, 3 इधर से जाएंगे, इधर से 3 और इधर 2 आ रहा है, तो इसको 3 बिट कंप्लीट करने के लिए मैंने आगे ही बताया था पहले 1 0 लगाएंगे 3। तो ये क्या हो जाता है आपका 6, ये 2 और ये 3। तो इसका ऑक्टल हो गया 3 2 6। और एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे।
ये फ्रैक्शन वाला एग्जांपल है, इसको आप इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हो गया आपका, नंबर है 101, 10.0101, ये आपका बाइनरी में दिया है, मुझे इसको ऑक्टल में चेंज करना है। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल है। सिंपली आप इस नंबर को लिखिए ऐसे, पहले पॉइंट के इस तरह वाला काम कर लेंगे, तीन मैंने जैसे बताया था इस तरह जाएंगे तीन, इधर जाने के लिए जैसे कि आगे ई वाले एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पर जीरो ऐड करेंगे, इधर हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 6, इसका वैल्यू होगा आपका 2। अब इस तरफ मैंने जैसे यहाँ पॉइंट की नॉर्मल ये वाला जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब पॉइंट के बाद वाला जो होगा, पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल प्लेस के बाद वाला जो बाइनरी डिजिट्स होंगे उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इधर से नहीं करेंगे, इधर से नहीं करना है हमको, इधर से करना है पॉइंट डेसिमल के बाद वाला। तो इधर तीन पेयरिंग, इधर जीरो लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग आगे किए थे कि मैंने बताया था कि अगर ऐसा ऐसा नंबर है तो इसके यहाँ पर जीरो नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही अगर डेसिमल के बाद ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं 3, अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा दूँ तो इसका वैल्यू गलत हो जाता है। अगर मैं ऐसे लगाऊँ 3 को, मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर जीरो लगा के, बट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर जीरो लगा के, बट अगर मैं ऐसे कर दूँ, अगर मेरा ऐसा रहे 0.3, तो मैं 0.30 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 0.03 नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए आपको समझ में आया होगा जीरो यहाँ पर कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, एक बार पहले लग रहा है, एक बार बाद में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद हम लोग राइट साइड में जीरो लगाते हैं, डेसिमल के पहले वाले में हम लोग लेफ्ट साइड में जीरो लगाते हैं। तो ये हो गया आपका, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 2 और इसका वैल्यू हो गया आपका 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 26.24। सिंपल है। अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी टू हेक्स, जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू हेक्स। इसमें एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको, एक बाइनरी नंबर लेना है पहले की जैसे एग्जाम्पल लिखा है बाइनरी टू हेक्स, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया 1101011010, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया, इसको मुझे चेंज करना है हेक्स हेक्साडेसिमल में। हेक्स का मतलब पता ही होगा आपको, हेक्साडेसिमल होता है। तो मैंने जैसे कि 8 के लिए लिखा था 3 बिट्स, तो 16 के लिए हो जाएगा, मतलब हेक्साडेसिमल के लिए हो जाएगा 4 बिट्स, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, आपको समझ ही में आ रहा होगा, बस आपको ये 3 बिट 4 बिट याद रखना पड़ेगा, और कहाँ पर आपको जीरो लगाना है, कहीं कहाँ नहीं लगाना है, वो आपको याद रखना, बस बस नॉर्मली आप जैसे मैंने आपको बताया था उसमें डेसिमल के पहले हम लोग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, डेसिमल के पहले है यहाँ पर कोई, इधर कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के पहले हुआ ये, तो 4 बिट्स करके, ये फोर, इधर 2 और 2 ऐड करेंगे, बस सिंपल है। आप समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है ये। तो ये हो गया आपका 10, ये आपका 10 का हो जाता है, 10 का तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, 10 का होता है ए, इसको लिखेंगे ए। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है 10 का ए क्यों हो रहा है, तो ये मेरे पिछले वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको आप देखिए, उसको आपसे समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा बी और ये जाएगा 2, बी मतलब जैसे कि बताइए 11, तो ये आपका हो गया 2BA, ये आपका आंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रैक्शन वाला, एग्जाम्पल हो गया 10101110.01011, ये आपका हो गया बाइनरी। पहले की जैसे मैंने बोला था डेसिमल के पहले इस तरफ से स्टार्ट करेंगे 4 और ये 4, और इधर से मैंने बताया था यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 4,
और ये हो गया दो, इधर दो जीरो लगाएंगे, चार, ये हो गया। अब इसका वैल्यू देख लेते कितना होता है। इसका हो जाएगा आपका ई, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा सी। ये आपको समझ में आ रहा होगा ई कैसे हुआ। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ई के रेस्पेक्ट में जो आता है, जैसे कि ए बी सी डी ई, ये आपका तो 12। तो यहाँ पर जैसे डी का 13 हो गया, ई का 14 हो गया। आपको समझ में ही आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पर बाइनरी लिखे हुए हैं, ये सब बाइनरी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके ये सब लिख रहा हूँ, ए बी टू जो भी है, या इस सब बाइनरी को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। मैंने आगे बताया नहीं था, जितने भी आगे बाइनरी मैंने कन्वर्ट किए हैं वो सब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 01011, इसको ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 101 का हम लोग को 5 होता है। और यहाँ पर हो गया 1100, ये हो गया आपका सी मतलब 12। तो ऐसे करके लिख दिए, तो इस पूरे वैल्यू का हो गया, इसको हम लिखेंगे ए ई 5 सी, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, चेंज हो गया। बस यही था दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, इजी है। आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करना है, सिर्फ याद रखना है क्या किसके लिए क्या करना है, बस और कुछ नहीं, आपको ये हो जाएगा आपका। एक और लास्ट बाकी है, उसको भी सीख लेते हैं, वो भी इजी है। वो हो गया आपका हेक्स टू बाइनरी। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से आपको पूरा समझा दूंगा। 3BF.5C, ये है आपका हेक्सल में, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया आपका, पहले इसको लिख लीजिए ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये पहले ये कर लेते हैं। एफ का कितना हो जाता है, एफ का हो जाता है 15, एफ का 15, एफ का मतलब हो गया 15। अब 15 को हम लोग अगर बाइनरी में चेंज करेंगे, 15 को अगर हम लोग बाइनरी बाइनरी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाता है, 1111। 15 का बाइनरी हो गया 111। तो 15 का बाइनरी हो गया 111, तो इसको एफ के जगह हम लोग लिखेंगे 111। देखिए यहाँ पर 4 बिट्स में आ गया, अगर 3 बिट्स में आता तो हमको सामने की तरफ 0 लगाना पड़ता एक्स्ट्रा, या फिर 2 बिट्स में आता तो 2 0 लगाना पड़ता। तो बी का हम लोग को पता है होता है 11, और बी का हो गया 11, और 11 का बाइनरी हो गया 1011। ये भी 4 बिट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का तो पता ही है, ये होता है 11, ये 4 बिट्स में नहीं है, इसको आगे 0 लगाएंगे। वैसे ही पॉइंट के बाद 5 का बाइनरी हो गया 1011 1001, सॉरी 0101। और सी का हो गया 1100, जो कि 12 का है। तो आपको समझ में आया होगा, ये सब मैंने सी का जो 12 होता है, सी का 12, उसको बाइनरी में करेंगे तो आ जाए आपका 1100। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। 3 का बाइनरी निकाल लिया, बी का बाइनरी निकाल लिया, एफ का बाइनरी निकाल लिया, 5 का बाइनरी निकाल, सी का बाइनरी निकाल लिया। तो मैंने बताया था पॉइंट के पॉइंट, अगर अगर ये तो सी का बाइनरी, तो ये 1100 आ गया, सही है। वैसे ही यहाँ पर जब मतलब इंडिविजुअली निकालेंगे, जब 5 का मैंने इंडिविजुअली निकाला, 101 आया, तो मैंने 0 पहले पुट करना है, बाद में नहीं पुट करना। आप बोलेंगे यहाँ पर तो पॉइंट के बाद है तो बाद में क्यों नहीं पुट कर रहे, लेकिन यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली निकाला। जब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे तब हम लोग को वो वाला मैंने जो रूल बताया था, पॉइंट के अगर बाहर पॉइंट के बाद हो तो राइट साइड में ऐड करना है तब करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेक्स टू बाइनरी है तो इंडिविजुअली हम लोग बाइनरी निकालेंगे। और इंडिविजुअली जब बाइनरी निकालेंगे तो 5 एक इंडिविजुअल नंबर है, तो वो पॉइंट के आगे ही है, तो इसलिए हम लोग आगे 0 लगाए हैं। समझ में आया होगा आपको। तो इसका पहले लिख देते कितना होता है, 1001 1011 1011 1.01011100, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि फेस आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।